गोकशी के अपराधों में शामिल 20,000 के इनामिया अभियुक्त को थाना अजीम नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सत्यजीत गुप्ता सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र स्वार के नेतृत्व में थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर गोकशी के अपराधों में संलिप्त रहने वाले इनामिया अभियुक्त नईम कुरैशी पुत्र खलील कुरैशी निवासी ग्राम आगा थाना अजीम नगर को परचई अड्डा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा 315 बोर मय 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अजीम नगर पर पंजीकृत मुकदमा 54-20 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट में 14 मार्च से लगातार वांछित चल रहा था, जिस पर एसपी द्वारा नईम कुरैशी उपरोक्त पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजीम नगर पर गैंगस्टर के अलावा अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। सर, 20,000 का जो इनामी बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुआ है थाना अजीम नगर, क्या है पूरा मामला? थाना अजीम नगर पुलिस ने एक गोकस जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, नईम कुरैशी पुत्र खलील कुरैशी ग्राम आगा थाना अजीम नगर का, जिस पर 20,000 रुपये का पुलिस अधीक्षक रामपुर के स्तर से इनाम घोषित किया गया था, आज उसकी गिरफ्तारी करने में अजीम नगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। ये बदमाश मय तमंचे के लिए गिरफ्तार किया गया है, इसे तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।